सर थोड़ा सा सारी सुन लो। कैसे आप सलमान साहब? कैसे आज़ादी का दिन मना रहे हैं। हम तमाम अपने देशवासियों को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि यौमे आज़ादी हमें बहुत मुश्किलों के बाद मिली है और आज जम्मू कश्मीर में वाकई आज़ादी का माहौल है। और हम आज पहले सरकारी फंक्शन अटेंड करके आए और आज हम वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल में ये फंक्शन मना रहे हैं। हमारा मकसद है कि जिस तरह से वक्फ ने पिछले साल से काम किया, आज आप देख रहे हैं उस तरह से हमारे बच्चे किस तरह से आज आज़ादी के जश्न में, आपने देखा इन्होंने पूरी तैयारी की है। और हमें ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में अब नई सुबह तुलू हो गई है, हम आज़ाद वाकई में हो गए हैं। हमारी सोच जो बहुत सालों से बंधी हुई थी, कैद थी और हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे, हमारे बच्चों के हाथ में आज तिरंगा है, आज हर दिल में तिरंगा है, हर स्कूल में आज फंक्शन मनाया जा रहा है, हर गली कूचे में आज तिरंगा फहराया जा रहा है। इससे बड़ी बात हमारे जम्मू कश्मीर के लिए क्या हो सकती है? आज जो ये हम बच्चों के हाथ में तिरंगा देख रहे हैं, ये हमारी तमन्ना थी। 70 साल और 75 साल में हमने यही सोचा था कि ये सुबह हम फिर से देखें और अल्लाह ने ये सुबह हमें फिर से दिखाई और अब जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर जा रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो आज इस जश्न को अपने स्कूल में मना रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है।